नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, फोटोशॉप के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए मैंने एक ये बना रखा है, एक ये बना रखा है, एक ये बना रखा है। हम इस टाइप का इफेक्ट कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप में। प्रॉपर इमेज को देखिए, प्रॉपर इमेज यूज़ किया हुआ है और इस टाइप का हमने इमेज को इस टाइप से कैसे कन्वर्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, देखिए कंट्रोल ओ इसका शॉर्ट फॉर्म है। इससे हम कोई फाइल रैंडमली कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। लीजिए ए वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ऐसी एक फ़ोटो ओपन होके आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले विंडो में जाएंगे। देखिए यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन है, F7 इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले लेयर्स ओपन हो के आ गई। देखिए ये लॉक है, इसको अनलॉक करेंगे। कैसे करेंगे, इसको अनलॉक करना है। इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे डबल दो बार। ऐसे ऑप्शन आएगा, इस पर हो जाएगा क्लिक, तो ये लॉक हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है। देखिए मास्किंग, एड लेयर मास्क के साइड में ऑप्शन आता है आपका, क्रिएट इन न्यू ऑल एडजस्टमेंट लेयर। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आता है आपका सॉलिड कलर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस पर हम कोई कलर ले लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, वाइट कलर ले लेंगे। ओके डन। ये जो हमने वाइट कलर फिल किया, इसको हम नीचे करेंगे माउस का लेफ्ट बटन से, इसको ड्रैग करके नीचे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने पिक्चर्स इंपोर्ट किया है यानी ओपन किया है, उस पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड लेयर मास्क का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। इसको देखिए मैं फ्लिप करना है तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं या एक्स अपने कीबोर्ड का एक्स प्रेस करेंगे उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक ऊपर होना चाहिए, वाइट नीचे होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ब्लैक ऊपर होना चाहिए, वाइट नीचे होना चाहिए। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, ऑल्ट देखिए इस लेयर को सेलेक्ट करना है जो हमने इमेज की लेयर ली है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट अपने कीबोर्ड का बैक स्पेस क्लिक करेंगे, तो ये ऐसे आपके सामने ऐसे ऑप्शन बन के आ जाएगा, ऐसे बाइट बन के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वही यहाँ पर क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ग्रेडियंट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम अपने हिसाब से कुछ भी ग्रेडियंट ले सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि बनाना कि ग्रेडियंट हमें बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली कोई ग्रेडियंट कलर यूज़ करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किया हमने, नॉर्मल एक ग्रेडियंट कलर हो गया, ओके किया, यहाँ पे भी ओके कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए जो हमने ग्रेडियंट यूज़ किया, इस पर सेलेक्ट किया, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए नॉर्मल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हम कलर कर देंगे। देखिए वाइट हो गया ये। अभी जो नीचे वाली इमेज है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया आपको। उसके बाद जो हमने मास्क किया, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट वाले को सेलेक्ट किया। उसके बाद ये जो कलर है, ब्लैक ऊपर है, वाइट नीचे है, हमें वाइट ऊपर करना है, ब्लैक नीचे करना है, इसको फ्लिप किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रश टूल आता है आपका, ब्रश टूल सेलेक्ट किया। रैंडमली आप कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ब्रश डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी करके यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली ये वाला ब्रश यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है ब्रश छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है। देखिए राइट ब्रैकेट से ब्रश बड़ा होता है, लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश छोटा होता है। अपने हिसाब से हम ब्रश छोटा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइज़ आता है, यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, और हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अपने हिसाब से छोटा बड़ा करेंगे, उसके बाद इस पर चलाएंगे हम। देखिए ओपेक्सिटी आप
अपने हिसाब से रखिएगा, आपकी इमेज जैसी है आपके पास उसके हिसाब से। मैंने आपको आपके सामने 43 और फ्लो 44 रख रखा है, इस पे चलाएंगे। देखिए ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखिए दोस्तों कुछ ही मिनट में हमारी फोटो इस टाइप की नजर आई हमारे सामने। यदि आप ये ग्रेडियंट कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए ग्रेडियंट पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आप कोई अदर ग्रेडियंट कलर यूज़ करना चाहते हैं, देखिए ये वाला करना चाहते हैं तो ये वाला कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, आपको ये सही लगे तो ये कर सकते हैं, आपको जो सही लगे ग्रेडियंट कलर आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मुझे अच्छा लग रहा है, मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आता है देखिए स्टाइल, यहाँ पे आप एंगल चेंज कर सकते हैं, रेडियंट कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, रिफाइंड कर सकते हैं, आपको जो ग्रेडियंट कलर अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सही लगे, रेडियंट अच्छा लगता है, रेडियल अच्छा लगता है, एंगल चेंज अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारी जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो इस बार इस टाइप की थी, जो हमने इसको एडिट किया इस टाइप की पिक्चर बन गई। हमने बस छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसमें हमारी पिक्चर ऐसी पिक्चर इस टाइप से बन गई। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन है वो दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहले से मिले। थैंक यू।